नमस्कार, मैं हूँ एसके मालवी और आप देख रहे हैं एस24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं हूँ एसके मालवी और आप देख रहे हैं एस24 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम विनायक वैली कॉलोनी के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक पुलिया है, इस रोड से आगे चलते हैं हम तो यहाँ पर आगे मेन रोड के पास ही एक पुलिया है जहाँ पर राज वेदांत स्कूल कि एक बस वो पानी के अंदर नाली में गिर गई थी, उसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। लोगों ने देखा और बच्चों को वैन से बाहर निकाला। ये बहुत बड़ी घटना थी। आइए हम कॉलोनी वासी से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम नितिन कोहली है। नितिन जी, जो बस गिरी है उस बस के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, जानकारी तो मेरे को ये नहीं थी कि गिरी है, मैंने बाद में सुना था उस चीज़ को। लेकिन हाँ, एक समस्या है, जो नाली ये नाला जो बना हुआ है वो तो पानी के बहाव के कारण पूरा छोटा होता जा रहा है। आज मन में विचार आया, लेकिन आज वो हादसा भी हो गया, वो देख लिया, आज सुन भी लिया उस चीज़ को। तो वही है, प्रशासन से ये अपील है कि इस चीज़ को थोड़ा सा सही कराए, ताकि ये आने छोटे छोटे बच्चे जो सुबह शाम स्कूल जा रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। बड़े बूढ़े हैं, आने आते जाते हैं, बाई चांस से गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी स्लिप हो गई, गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है। पिछले साल काफ़ी चोट लगी, काफ़ी इस बार तो पहले ही इसमें हादसा हो गया है। ये पिछले साल बच्चा भी गिरा था, उसके अंदर बह गया था और वो अंकल आंटी हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो भी काफ़ी उनको चोट आई थी। इस बार बच्चे हादसा बड़ा होते होते टल गया है। पुलिया का निर्माण भी होना चाहिए अभी, लेकिन जैसे बारिश का मौसम है तो निर्माण ना हो, कम से कम उसको रिपेयर कैसा कर दिया जाए ताकि वो उपयोग करने योग्य हो जाए, क्योंकि समस्या तो है, बड़ी है समस्या। आज छोटा सा है, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो। तो ये क्या सड़क और ये सैंक्शन है या नहीं है यहाँ पर कुछ? नहीं, प्रशासन ने काफी पिछले साल इसको बनाने का बोला था, अब कुछ कारणवश होगा जो अभी तक नहीं बना। ये कॉलोनी बिल्डर ने बेची थी या नहीं? हम तो नहीं बता पाएंगे। किससे खरीदा? हमने पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से खरीदी थी जी। बिल्डर्स का तो वैसे को भी देखी, जो चीज हमने करी नहीं थी उस चीज को तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक व्यक्ति से खरीदी थी, अब वो बेच के चला गया है। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, हम बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर बेटा, यहाँ से जब हम मेन रोड की तरफ जाते हैं, जब बारिश में जाने में दिक्कत होती है? नहीं होती? बहुत होती है भैया, बहुत होती है। हाँ, बहुत होती है, बहुत। हर बार नाला भर जाता है, हर बार नाला भर जाता है। हाँ। तो पैदल जाते हो या बस से जाते हो, गाड़ी से जाते हो? पैदल जाते हैं, बस से जाते आते से ही बस कॉलोनी में जाने के लिए पैदल आते। अच्छा, कभी कभी गाड़ी से आते हैं। बेटा बेटा, क्या नाम है आपका? अदिति। विक्की? अदिति। अदिति बेटा, क्या हुआ था आज जब तुम स्कूल जा रही थी? जा रही थी, तब गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलट गई थी तो लगी तो नहीं बेटा? नहीं लगी। किसने निकाला था फिर गाड़ी पलट गई तो? किसी अंकल ने निकाला था। इनकी बच्ची की मम्मी भी यहाँ पर खड़ी है, आइए हम बात करते हैं इनसे। जी बताइए। सर, जो हमारे बच्चे बहुत घबरा गए थे वैन में, जो UKG KG फर्स्ट सभी क्लास के बच्चे थे, अब ये तो फिर भी थोड़े बड़े बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो तो खूब रो रहे थे। हाँ। बहुत ज्यादा घबरा गए थे उनके पेरेंट्स, उनको फोन लगाना पड़ा हमें। मतलब उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, पूरे बच्चे ऐसे कांप रहे थे जैसे कि खूब ठंड में फुटर रहे हूँ, इस वजह से वो इतना कांप रहे थे बच्चे। उन तो क्या ये पुलिया यहाँ की बनना चाहिए? ये पुलिया बननी चाहिए और आसपास की क्या पूरी रेलिंग लगनी चाहिए ताकि जो भी गाड़ियाँ निकल रही है वो सेफ्टी से निकले। आपका नाम? राखी साहू। कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? राज वेदांता स्कूल, पटेल नगर। पटेल नगर जी। और चलिए आप बताइए। अरे सर, मैं तो बता के थक गई, आए थे यहाँ सर्वे करने, आते कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, हमारे विश्वास सरन जी है, वो भी आके यहाँ देख के चले गए। बबले साहब जी है,
जो पार्षद जी हैं वो भी करके चले गए, लेकिन यहाँ की कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है हमें, और हमें 7 साल हो चुके हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय हमने आए दिन एप्लीकेशन दे चुके हैं, और उनको आज फोन भी किया था हमने। क्या जवाब रहा हुआ? उन्होंने कहा था कि वैन वैन को आप वेट करते हैं, अब हम रात भर पानी गिरेगा, दिन भर पानी गिरेगा, तो क्या हमारे बच्चे वैन में ही बैठे रहेंगे? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, इसको सही से सही होना चाहिए जल्द से जल्द। बहुत काफी टाइम होगा, आए दिन पानी गिरे और वो फराक से भरा जाता है। सरकार या मुख्यमंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे? बस निवेदन यही करना चाहेंगे कि आज ये छोटे छोटे बच्चों को कुछ हो जाता, 1-2 लाख रुपए देख के वो तो चुप हो जाते, हमारा तो जिंदगी खराब हो जाता ना इन बच्चों के लिए। फिर इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए जल्द से जल्द। तो बस के ड्राइवर पे कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल बस के ड्राइवर की कोई गलती नहीं, वो तो आएगा ना बच्चे को लेके। भाई पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे की 2 बजे छुट्टी हो गई, 2:30 बजे तक घर नहीं पहुंचे। हम उन्होंने हमें फोन किया, उन्होंने कोशिश की बच्चों को हमको देने के लिए, और हम लेने गए, हादसे हमारे साथ भी हो गए, उनके साथ भी हो गए। और ऐसे में तो ये सरकार की लापरवाही है ना। पूरी घटनाक्रम में आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को, सरकार है। अगर सरकार इस पे कार्रवाई करेगी तो ये पानी रुकेगा, तो आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बच्चा तो रोज ही स्कूल जाएगा, घर में थोड़ी ना पढ़ाएंगे हम। और यहाँ सभी के साथ दिक्कत है, एक के साथ नहीं है। और कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? नहीं, मेन रास्ता तो सबसे मेन रास्ता ये है, वो पीजीएम से इतनी दूर घूम के पीपल चौराहे जाके फिर करो चौराहे तो कोई मतलब थोड़ी ना इतनी दूर से जाने। जो मेन रास्ता उसको सही होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपने कॉलोनी वासियों को देखा कितने रोष में है, कितने गुस्से में है, क्योंकि यहाँ की सड़क नहीं बन रही है। यहाँ के मंत्री और विधायक विश्वास सारंग जी को भी आवेदन कई बार दे चुके हैं, और यहाँ के क्षेत्रीय नेता और यहाँ के मंडल अध्यक्ष सभी लोगों को दे चुके हैं, बबलेश राजपूत को भी दे चुके हैं आवेदन, लेकिन समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, आज तक इस कॉलोनी में कोई भी काम नहीं हुआ है। इस सड़क को बनना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर जरा टावर दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये जो 3 खंभे लगे हुए हैं, ये बड़ी लाइन जा रही है ऊपर, और ये बड़ी लाइन कभी भी ये खंभा 11 KV से टकरा कर गिर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। MPB भी इसका शुद्ध नहीं ले रही है, ये बहुत बड़ा टावर है, और इस टावर के नीचे से ही आने लोगों का आना जाना है, तो किसी दिन ये भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। S24 के लिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।